Good morning, children. So, we are in lecture number 1 of chapter number 18, Why Why. देखो बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, राइट? चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 18, Why Why. अच्छा, तो पिछले लेक्चर में जैसे मैंने नेचुरल वेजिटेशन का आपको पढ़ाया था, इसी तरह मैं आपको सिर्फ इंडिया की वाइल्ड लाइफ नहीं, पूरे विश्व की वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ इंडिया का ही पढ़ना है, लेकिन हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सब पढ़ेंगे, राइट? ओके। तो आज हमारे जो चैप्टर्स है, हमारा जो ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, उसमें हम 4 टॉपिक करने वाले हैं। अच्छा, लेसन कहां से शुरू होता है? पेज नंबर 137 पे शुरू होता है। और ये लेसन आपको 10th स्टैंडर्ड में बिल्कुल रिपीट होता है। समझ में? 10th स्टैंडर्ड में ये लेसन आपको बिल्कुल रिपीट होता है। कोई उसी बात नहीं है। ओके बच्चों, अभी देखते हैं। रिच बायोडायवर्सिटी, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है जू, ज्योग्राफिकल रीजंस ऑफ इंडिया। तीसरा टॉपिक है डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। चौथा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ, द नीड फॉर कंजर्वेशन। पांचवा टॉपिक है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स हुए। अच्छा, नाउ लेट मी से व्हाट इज मीन्ड बाय वाइल्ड लाइफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉल्ड वाइल्ड लाइफ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? Wildlife means the things, the living things, जिसको बोलते हैं जानवर, पशु, पंखी, ये सब हमारे वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड होते हैं। बेसिकली कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन पर्यावरण मतलब एनवायरमेंट के लिए, नेचर के लिए वाइल्ड लाइफ का होना जरूरी है। बराबर है? आप हिस्ट्री में पढ़े हो, ज्योग्राफी में, बराबर है? जो भी गोरमाना लैंड वाला मास जो मैंने आपको 13th चैप्टर में पढ़ाया था, फर्स्ट टर्म में, गोरमाना लैंड वाला मास जो अलग हुआ उस वक्त मिलियंस ऑफ इयर्स में, एक हिस्सा बना आज का अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ईस्ट वाला हिस्सा बना 2 हिस्से में, एक बना ऑस्ट्रेलिया और एक बना इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ड्रिफ्टेड साउथवर्ड्स, इंडिया ड्रिफ्टेड नॉर्थवर्ड्स, ये सब आपने पढ़े। फिर वेस्ट वाला एक जो हिस्सा बना वो ड्रिफ्ट होके आगे इंडस्ट में चलता गया, वो आज बना साउथ अमेरिका। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पूरा कॉन्टिनेंट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये जो 4 जगह है, 4 कॉन्टिनेंट जो है, इंडिया के कॉन्टिनेंट को एशिया बोलते हैं, माफ करना, लेकिन 3 बड़े कॉन्टिनेंट और हमारा इंडिया, ये दुनिया का 4 ऐसा हिस्सा है जहां आपको दुनिया की अनगिनत वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। मान लो हम लायन की बात करें सपोज, तो पूरे एशिया में एक ही पैच बचा है जिसको हम जूनागढ़ बोलते हैं, सासन बोलते हैं, वहां सिर्फ लायन दिखाई देते हैं।
और हमारी कंजर्वेशन सरकार की मदद से, हमारी मदद से, कोऑर्डिनेशन की वजह से हम वो कर पाए, मतलब लाइफ बचा पाए। तो ये जो बात हुई, वरना एक समय ऐसा था ईरान से लेके मलेशिया तक लाइन सीखते थे। आप लोग नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखते हो, नेशनल ज्योग्राफी चैनल में देखो तकरीबन 90% शूटिंग कहाँ होता है, तो बोलते हैं कि भाई उसका शूटिंग उधर, क्या बोलते हैं, अफ्रीका में होता है, बराबर अफ्रीका में होता है। कितनी बढ़िया वाइल्ड लाइफ, कई सारे से पशु पक्षी हैं, कई सारे से वाइल्ड लाइफ है जिसके बारे में हमने कभी बुक में नहीं पढ़ा है, जिसको कभी हमने देखा नहीं है और वो हम देखते हैं। तो ये सब कुदरत की करामात होती है, कुदरत जिसको हम बोलते हैं, बराबर भैया। तो ये बात हमारी इंट्रोडक्शन जैसी हुई, बाकी वाइल्ड लाइफ के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ। इंट्रोडक्शन आप जैसे मैच्योर बच्चों को वाइल्ड लाइफ का इंट्रोडक्शन ही नहीं चाहिए, ऐसे मैच तो लेट अस मूविंग बाय वाइल्ड लाइफ पेज नंबर 137। इंडिया हैज अ, मैं पहला टॉपिक रिच बायोडायवर्सिटी, राइट। इंडिया हैज अ डायवर्सिफाइड रिलीफ एंड क्लाइमेट, राइट। 14th लेसन में आप पढ़े फाइव फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। फाइव फिजियोग्राफिक डिविजन मतलब फाइव टाइप ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स, फाइव टाइप ऑफ टेम्परेट, सॉरी फाइव टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेजिटेशन, राइट। रेनफॉल, सनलाइट, रिलीफ फीचर्स, टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब वाइल्ड लाइफ का असर होता है। कि जो हाई अल्टीट्यूड में वाइल्ड लाइफ दिखती है, मान लो सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड रेंज ऑफ हिमालयस में वाइल्ड लाइफ दिखती है, वो हमारे जंगल में नहीं दिखती। मान लो एशियाटिक लायंस, उसको एशियाटिक लायंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी उसका रेसिडेंस सिर्फ और सिर्फ पूरे एशिया में, इंडिया में बचा है, मतलब चुना में बचा है, इसीलिए उसको एशियाटिक लायंस बोलते हैं, बराबर है। तो मान लो तो उसको जो एनवायरमेंट इधर मिलता है वो एनवायरमेंट उसको शायद आसाम में नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने अभी आपको 6 फैक्टर्स कैलकुलेट करवाए और ये 6 फैक्टर की वजह से उस के हिसाब से वाइल्ड लाइफ उधर डेवलप होती है, बराबर है। जो वाइल्ड लाइफ आसाम में दिखती है वो जरूरी है वो वाइल्ड लाइफ हमारे गुजरात में दिखती है, क्योंकि गुजरात और आसाम में ये दो 6 फैक्टर्स का डिफरेंस होता है। जो वाइल्ड लाइफ कश्मीर में दिखती है वो वाइल्ड लाइफ केरला में नहीं दिख सकती, क्यों, डिफरेंस ऑफ द 6 फैक्टर्स। ऐसा समझ, इफ यू कैलकुलेट एज अ होल, इफ यू टेक इनटू कंसीडरेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया, व्हाट कैन वी से, इंडिया हैज अ डाइवर्सिफाइड रिलीफ फीचर्स एंड क्लाइमेट व्हिच डायरेक्टली इफेक्ट्स वाइल्ड लाइफ। पूरा हो गया, आपको आ गया होगा, अब समझ गया होगा, राइट। सिमिलरली डाइवर्सिटी इज सीन हियर इन वाइल्ड लाइफ, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, साउथ अमेरिका, एशिया, सॉरी इंडिया, नॉट एशिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया एंड होल ऑफ अफ्रीका, ये 4 जगह है, इसमें से 3 कॉन्टिनेंट में हम कंट्री हो एशिया के, ये 4 जगह कुदरत ने ऐसी बनाई है जहाँ भरपूर वाइल्ड लाइफ है। अच्छा दूसरे देश में भी है लेकिन लिमिटेड है, लिमिटेड। जितनी वाइल्ड लाइफ हमारे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, सारे कंट्री साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया में है, उतनी वाइल्ड लाइफ दुनिया के किसी और देश में नहीं है। मैंने आपको बोला आप नेशनल ज्योग्राफी देखो, 90-95% नेशनल ज्योग्राफी का जो शूटिंग होता है वो कहाँ होता है,
sorry, African American. Sorry, my life. And this person is how the famous birds are the Nicaragua, South America, Brazil, Argentina, Colombia, India. Or second thing, India is such a country, a single country in the world, where lion and tiger both coexist together. तो साउथ अफ्रीका में जो बिग कैट्स का वो जो सिग्नल आता है अफ्रीका का उधर मैक्सिमम लायंस की बात होती है लेकिन इंडिया ऐसा है जहाँ टाइगर भी देखे टाइगर नेशनल रिजर्व भी है टाइगर पार्क्स भी है तो ये हमारे लिए एक बड़ी गर्व की बात है राइट सी In the entire world, about 15 lakh species of wildlife are recorded, out of which 81,251 species are found in India. Underline this figure. Approximate 15 lakh species. India mein kitni residents hain uski? 81,000. That is almost 82,000 species are found in India, right? This includes reptiles, mammals, fish, and other insects. वो मैंने कल आपको बताया था. India is one of the largest coastline in the world. Approximately 7,500 kilometers. 7,500 kilometers is the length of coastline. And different types of fishes. Whatever type of fishes are found on the coast of Gujarat is not the same found on the coast of Konkan. Right? Seas, okay, same. From Gujarat to Kerala, it is the Arabian Sea. But variety of wildlife, marine wildlife is different. Whether it's Konkan, Gujarat, Malabar, or whatsoever it is. Right? I think not a single country in the world is gifted with such a variety, right? Exploration, continue to identify other animal forms in different forests. Now underline, India is in the sixth position among the countries rich biodiversity. We are placed sixth. जगह कौन सी है सिक्स नंबर पे हम वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी में है इंडिया इज लेस फॉरेस्ट कवर्ड इंडिया में फॉरेस्ट की थोड़ी दिक्कत है तकलीफ है वरना तो हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं राइट कंपेयर टू दैट बायोडाइवर्सिटीज नोटिस ये बच्चों लोग आपको समझ में आ गया क्या अभी हम आगे बढ़ते हैं जू Second topic, you know what is meant by zoo. और बच्चों हम इधर नेचुरल जू की बात कर रहे हैं हम जो प्रोफेशनल जू होते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं वो जू की बात नहीं कर रहे मान लो कि आप विक्टोरिया पार्क जाओ तो विक्टोरिया पार्क में जो आपको बर्ड्स एनिमल्स दिखते हैं उसको नेचुरल जू बोल सकते हैं क्यों कि वो नेचर के हिसाब से अंदर रहते हैं उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है उसका कोई शेड्यूल नहीं है तो हम ये जू की बात कर रहे हैं बराबर है जू ज्योग्राफिकल रीजंस ऑफ इंडिया नेचुरल वेजिटेशन रीजंस have been devised on the basis of their characteristics. मैंने आपको बोला है, जैसे टॉपिक के हिसाब से, इंडिया में 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन से, तो obviously, वो 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन के हिसाब से वाइल्ड लाइफ दिखेगी,
तो ऐसा नहीं कि चलो फाइव जियोग्राफिक डिविजन इंडिया के हैं तो इसमें भी वाइल्ड लाइफ के भी पांच जोन होंगे, शायद उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, शायद उससे कम भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ। पर जैसे फिजियोग्राफिक डिविजन है वैसे वाइल्ड लाइफ के भी डिविजन होते हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में, कहाँ कहाँ कौन सी वाइल्ड लाइफ दिखाई देती है वो आगे बात करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन रीजंस हैव बीन डाइवर्सिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलरली और स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पार्शियल मीन्स छोटा छोटा है पैचेस, आपको मैं टेस्ट में भी पूछने वाला हूं, डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, बराबर है, डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया मैं आपको टेस्ट में भी पूछूंगा, एग्जाम में भी पूछूंगा और ये 10th स्टैंडर्ड में भी रिपीट होता है, समझ में? तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। What is my topic? I am not in a hurry. आज मैं जरा कुछ भी जल्दी में नहीं हूं, आपको एक एक शब्द समझाने का है, टॉपिक में लगा है बच्चों, डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। सारे पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में से आप मार्क करो, समझ में? सारे पॉइंट्स आप टेक्स्ट बुक में से मार्क करो, that is a vast alluvial plains of rivers, peninsular plateau, mountainous region, swampy area. Swampy area means daldal, right?
is called Daldal Bolta, Sundarban area. Sea coast, dense rainforest, ये आसाम में जो दिखे जाते हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया था एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में. Deciduous forest, मतलब पानखर वाले जंगल. Coniferous forest in Himalayas and other region, higher regions form a vast background for the habitation of wildlife in India. Better? ये wildlife इसके हिसाब से मिलती है. The animals seen are Asian elephants in peninsular rainforest. कौन सा एनिमल दिखाई देते हैं? एशियन एलिफेंट, पेनिनसुलर एलिफेंट. ब्रैकेट एंड ब्रैकेट बच्चों, वन हॉर्न राइनो इन स्वाम्पी रीजन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, राइट? एक सिंगा गेंडा जिसे बोलते हैं, वो ब्रह्मपुत्र में दिखाई देते हैं. जब जब ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है आसाम में, तब तब हर साल उसके अस्तित्व पे जोखिम खड़ा होता है, फिर भी कुदरत उसको बचा लेती है. ऐसा माना जाता है, एक बार मैंने नेशनल ज्योग्राफी में देखा था कि बाढ़ आने का खतरा सबसे पहले ये राइनोस को मालूम पड़ जाता है. बेसिकली राइनोस हर्बिवर्स है, सॉफ्ट ग्रास उसका खुराक है, प्लेन्स में मिलते हैं. अचानक बारिश के माहौल में, बारिश के मौसम में, मानसून में, वो अचानक वो सॉफ्ट नई घास जो भी होती है प्लेन्स में, वो छोड़ के हायर रीजन पे चले जाते हैं, माइग्रेशन जिसे बोलते हैं. और वो माइग्रेशन लोकल इनहेबिटेंट्स लोग स्टडी करते हैं, जो आसाम में रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का कहर हर साल होता है, उधर वो लोग स्टडी करते हैं. जैसे वन बॉन ड्राइवर्स थोड़ी ऊंची जगह पे चले जाते हैं, तब ये लोग समझ जाते हैं कि 5-10 दिन में बाढ़ आने वाली है, वो प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आपको, ताकि कम से कम नुकसान का सामना करना पड़े. तो देखो कुदरत ने कैसा अजीबोगरीब उसको बनाया है. एक मैंने देखा था वाइल्डलाइफ कैंप की बात कर रहा हूँ, जो साउथ अमेरिका किसी कोस्ट में, अर्जेंटीना, ब्राजील किसी कोस्ट में स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ टर्टल्स पाए जाते हैं. स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ टर्टल्स जो होते हैं वो अपनी एग्स ले करते हैं बे ऑफ बंगाल के किनारे, भुवनेश्वर के नजीक, ओडिशा, राइट? वो अटलांटिक ओशन क्रॉस करते हैं, इंडियन ओशन क्रॉस करते हैं और फिर बे ऑफ बंगाल में एंटर होते हैं. उधर भुवनेश्वर के पास एक पैच है, वो गांव का नाम तो मैं भूल गया, 40 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है, 40 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन है भुवनेश्वर के आसपास. उधर वो लोग निकलते हैं और मार्च अप्रैल में आके वो लोग उधर अपने एग्स रखते हैं मिट्टी में. सनलाइट, नेचर की प्रोसेस से उसके एग्स हैच होते हैं और नए नए जो बच्चे होते हैं टर्टल्स के, वो अपनी दुनिया शुरू करते हैं. ये जो बड़े टर्टल्स है, फीमेल टर्टल्स, खासकर फीमेल टर्टल्स से डराते हैं, इतना लंबा डिस्टेंस कवर करके वो इधर एग्स ले करके वापिस चले जाते हैं. तो मेरा एक सीधा साधा सवाल है, उसको रास्ता किसने बताया? हम तो इंसान है, हमारे पास ऐसे क्लेम कर रहे हैं हमारे पास सबसे बढ़िया बुद्धि है, वो भी हम रास्ता भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, तो इसको कौन रास्ता बताता होगा? कहाँ अर्जेंटीना, कहाँ ब्राजील का सीकोस और कहाँ जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर,
They are almost covering more than distance of 8,000 miles. इतना डिस्टेंस कवर करके वो लोग फलाई जगह पे पहुंच जाते हैं और ये पूरा एपिसोड एक बार नेशनल ज्योग्राफी में आया था और आसपास के गांव वाले भी इंडियन भारत सरकार ने भी उसके लिए कड़े कदम उठाए गार्ड्स रखते हैं क्योंकि डॉक्टर्स के जॉइंट डे होते हैं रात को लोकल स्ट्रेन एनिमल्स जो होते हैं डॉग्स और ये सब खा जाते हैं तो आसपास के गांव वाले जो होते हैं जिसमें जैसे अवेयरनेस आया कि ऐसी बात बनती है इधर तो ये लोग राउंड द क्लॉक जब तक एग्स नेचुरली हैच नहीं हो जाते उसमें से बच्चे बाहर नहीं आ जाते और वो लोग अपनी दुनिया शुरू करने के लिए पानी में नहीं जाते तब तक ये लोग ये गांव वाले आसपास के गांव वाले लोग राउंड द क्लॉक उसके उधर उधर निगरानी करते हैं सुपरविजन करते हैं ध्यान रखते हैं ताकि कोई कार्निवरस एनिमल जैसे फॉक्स और डॉग्स और कैट्स आके उसको मार न डाले क्योंकि थोड़ा सा ही गड्ढा वो होते हैं उसमें अंडे रख देते हैं ऊपर मिट्टी डाल देते हैं इजीली वेंटरेबल थोड़ा गड्ढा खोलो तो पूरे एग्स बाहर आ जाएंगे कई एग्स तो हैच भी हो गए शायद उसमें छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं कैट्स डॉग्स उसको मार डालते हैं ये 40 किलोमीटर का पट्टा है भुवनेश्वर से उस पर हर साल ये घटना होती है थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स राइट कम्स फ्रॉम दिस कोस्ट एंड लेज द एग्स और ये बच्चे जो शायद आगे जाके बड़े हो गए तब उधर जाएंगे वापस उधर आएंगे तो ये सब कुदरत की करामात है ये सब कुदरत की करामात है इसको जितना भी हम साइंस में एक्नॉलेज करें जितना भी रिसर्च करें बिल्कुल कम है कई सारी मूवीज भी बनी होती है राइट आप नेशनल ज्योग्राफी देखते हो तो शार्क और व्हेल का भी एक्वेटिक लाइफ वाइल्ड लाइफ होती है उस पर टैग लगाते हैं जीपीएस सिस्टम लगाते हैं फिर उसको लोकेट करते हैं आज एंटार्कटिक ओशन में लोकेट किया तो कल पैसिफिक में होती है तो ये सब कुदरत है कोई भी पक्षी है खुला पूरा आसमान उसका जहां भी चाहे उड़ सकते हैं ऐसे है वन वन राइनो इन हिमालयस वाइल्ड बोर एंड मस्क डियर इन जम्मू कश्मीर राइट और वही मस्क डियर उसका दुश्मन भी है क्योंकि मस्क के लिए कस्तूरी के लिए उसको मार डालते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ओरिजिनल मस्क की बहुत कीमत होती है डॉलर्स में होती है यूके में डॉलर्स में होती है राइट वाइल्ड बफेलो इंडियन बाइसन टाइगर इन सेंट्रल इंडिया इन वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में तो जो टाइगर है वाइट टाइगर होते हैं रॉयल बंगाल टाइगर वाइट टाइगर गुटका This is the animal, nowhere else found in the world except Kutch, Jungli Gadha, specific type of donkey, jisko wild ass bolte hain, gudkar bolte hain. It is only found in desert of Kutch. Even desert area Rajasthan mein bhi hai, udhar nahi hai. Sabse bada to Sahara ka desert hai, udhar bhi nahi hai. Sirf Kutch ke desert. तो इसका मतलब क्या हुआ डेजर्ट होने से सारे एनिमल्स इकट्ठे नहीं होते डेजर्ट में भी कई सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो काम करते हैं उसके हिसाब से वाइल्ड लाइफ उधर डेवलप होती है राइट वाइल्ड लिटिल डेजर्ट ऑफ कच्छ एंड फ्लेमिंगो इन वाटर लॉग ग्रेटर ऑफ कच्छ राइट presence of great Indian bustard in the grassland area is noted again. Great Indian bustard is a name of a bird. बहुत बड़ा पक्षी आता है bustard. Before few years, it was on the verge of extinction, it's vanished. But हमारे प्रयास से government के हिसाब से प्रयास से वो आज बच गया है
और आज बार बार हम उसको देख सकते हैं। नोटेड अगेन, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम कोल्ड एरिया कम्स डाउन इन लार्ज नंबर। साइबेरिया में इतनी ठंड होती है, जहाँ उधर नवंबर दिसंबर में ठंड शुरू होती है, माइग्रेटरी बर्ड्स उधर अक्टूबर नवंबर में से निकल जाते हैं, उड़ के वो लोग हिंदुस्तान आते हैं, खास करके नर्स और हमारे भावनगर में भी आते हैं। स्टार कोर सब पक्षी होते हैं, ऑरेंज ब्लैक और वाइट कलर के बहुत बड़े पक्षी स्टार जिसे होते हैं बदला। उसका सबसे बढ़िया रेसिडेंस पील गार्डन में है। शायद आप पील गार्डन साइड जाओ तो आपको अभी तो जो सेंट्रल एरिया भावनगर का बोलते हैं तालाब, उसका प्यूरिफिकेशन हो गया है, पानी भी भरा होता है तो उसका पूरा भी उसको मिलता है। दो साल से बारिश भी अच्छी होती है, उसमें पूरा पानी भी भरा होता है, तो एक्वेटिक लाइफ भी डेवलप हुई है। तो ये जो बर्ड्स आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, उसका रेसिडेंस वो लोग पील गार्डन में बनाते हैं। अगर आप जाओ पील गार्डन, बहुत सारे पेड़ हैं पील गार्डन में और आपको मैक्सिमम उसके नेस्ट दिखाई देंगे। वो आते हैं, उसके बच्चे उधर होते हैं, एग्स ले करते हैं, उसके बच्चे भी बड़े होते हैं उधर ना इधर बाहर तालाब का खाना खाते हैं, फिर वो चले जाते हैं सर्दी में। ऐसा समझो तीन चार महीने वो लोग इधर रहते हैं कोल्ड सीजन में। सर्दी की सही में ऑब्जेक्ट देखना, पूरे दिन वो लोग फिशिंग करते हैं तालाब में, जो गंगा जरिया तालाब होते हैं, और शाम को वापस अपने यहाँ जाते हैं। सब कुदरत है, बराबर है। दिस इंक्लूड साइबेरियन क्रेन, पेलिकन, टिबेटियन डक, कुंज कुंज, खाकरा एक्सेट्रा, फ्लाइंग स्क्विरल, खिसकोली कभी उड़ती नहीं है, बराबर, खिसकोली कभी उड़ती नहीं है, लेकिन उसको बोले जाते हैं फ्लाइंग स्क्विरल। Are found in dense forests of Western Ghats, interior part of Western Ghats, Mathiran, Mahabaleshwar, के जंगल में आते हैं कोरोना वाला कंडा ना कुछ जंगल में, उधर फ्लाइंग स्पिरल दिखती है, इतनी बढ़िया वो डायल लगा दी एक जार एक पेड़ से दूसरे पेड़, उसको पंख भी नहीं होते फिर भी उड़ के चली जाती है, right? फ्लाइंग स्नेक्स भी आते हैं ग्रीन कलर के। निकोबारी डॉग इतना बड़ा पिजन, ईगल जितने के साइज का पिजन आता है निकोबारी डॉग। It's a rare bird found in the Nicobar Island. But it's not that big. From the distance, it's eagle. Then, when you see it, it looks like it's a dove. Right? Rare species of corals, means we have aquatic life. And if you want to see aquatic life, then go to Pirotar Island. It's a very big place, Pirotar Island. Rare species of corals are seen in the Gulf of Kutch and Lakshadweep Islands. Right? Along with the mammals and many different types of birds, notice should be taken like king cobra. South mein sabse jyada cobra dikhai deti hai. Like Tamil Nadu, Kerala, Eastern Ghats or Western Ghats ke interior part mein sabse jyada cobra dikhai deti hai. Pythons bhi dikhai deti hai. Right? Anaconda jaise jeete nahi lekin average 14-15 फीट के तो पाइथन इंडिया के जंगल में भी पाए जाते हैं, राइट? किंग कोबरा, स्नेक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स, राइट? पाइथन्स, पाताल को, इगुना, राइट? बिलोंगिंग टू दिस फैमिली, व्हाट वी कॉल स्पेसिफिक टाइप ऑफ गो फाउंड इन इंडोनेशिया, ड्रैगन, बराबर, ड्रैगन गो जिसे बोलते हैं, उसकी फैमिली का मेंबर है। Along the sea coast, other water bodies, various types of fishes, snakes, dolphin, shark, shark मछली भी हमारे इंडियन सी कोस्ट में पाई जाती है। मुंबई में जो सबसे बड़ा फिश मार्केट है उधर रोज शार्क को ये लोग फिशरमैन पकड़ के ले आते हैं। बहुत बड़ी बड़ी शार्क नहीं होती, अप्रोक्सीमेटली 150 केजी, 200 केजी, राइट? एप्रोक्सीमेटली 5-6 फीट की तो होती है। ऑक्टोपस,
deer, mongoose, rabbit, wild hog, hedgehog, shawli और सब होते हैं आर सीन इन एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी करते हैं एग्रीकल्चर करते उसको मालूम है ये एनिमल्स रेगुलर दिखाई देते हैं खेड़ का कोई इसका आता होता है कि दे आर फार्मर्स फ्रेंड राइट मेनी बर्ड्स सच एज नाइटिंगेल पैरट पिकॉक रिवर बर्ड जिसको हम दर्जीना बोलते हैं टेलर बर्ड चिबरी पिला वल्चर काबर घोर बगला आर सी रोमिंग राइट फिर हम टैक्सोनो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं क्रेन इज द लार्जेस्ट बर्ड सीन इन इंडिया अब हमें लाइक करना फुलशन घोरो इज द स्मॉलेस्ट बर्ड सीन इन इंडिया मैं आपको टेक्स्ट में पूछूंगा फुलशन घोरो इज द स्मॉलेस्ट बर्ड सीन इन इंडिया बर्ड विंग is the smallest butterfly seen in South India. Underline karna bachcho. Siraj Jewa is the smallest butterfly seen in India. To kudrat ki ye sab karamat hai. Kitni sari species, kitni sari cheeze humko Bharat mein dekhne ko milti hai. To ye maine aapko ek ek word alag alag karke samjhaya par kab pakka ho jana chahiye. अभी आप आते हैं वाइल्डलाइफ द मीन ऑफ कंजर्वेशन बहुत हुआ है बहुत उसका आशिकार हुआ है बस मीन्स बस उसको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं बराबर तो लेट अस से व्हाइल गोइंग टू द पास्ट इट बिकम्स एविडेंट दैट देयर इज अ डेंजर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सिंस लास्ट फ्यू डिकेड्स उस पर खतरा बन रहा है Before 100 years, thousands of tigers were seen in India. आज tigers national park में कैद हो गए हैं। तकरीबन फिर भी हमारे हिसाब से the population has reached up to 2600 के करीब tigers दिखाई देते हैं। As per one figure of 2014 by the Forest and Environment Ministry. The figure was 2,226. वो बढ़ के आज तकरीबन 2,600 के करीब है. Tigers have grown in numbers, which is evident from the imprints from the footprints taken in last year. Simply जनसंख्या बढ़ती है और सारे टाइगर्स की प्रिंट अलग अलग होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मालूम है कैसे उसको ट्रैप किया जाता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो कैलकुलेशन के हिसाब से बताते हैं कि टाइगर स्पेस की इतनी पॉपुलेशन है दिस इज अ गुड साइन वल्चर्स सबसे ज्यादा वल्चर्स एक समय हमारे भावनगर का मोवा जो तालुका है मोवा और ऊना के बीच में सबसे ज्यादा वल्चर्स के नेस्ट दिखाई देते थे गुजरात में लेकिन जब उधर माइनिंग वर्क शुरू हुआ निर्मा का प्लांट शुरू हुआ सॉरी वो चिप्सम का पूरा सत्यानाश कर दिया लोकल लोगों ने आगे अगुवाई की आंदोलन की लेकिन कुछ नहीं चला क्योंकि पुनः राजूला साहब ने को एलएनटी और सब प्लांट्स चलते सीमेंट के इतना पॉल्यूशन कर दिया इतना नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब किया वल्चर्स दिखाई नहीं देते बेसिकली नो वल्चर्स आर नेचुरल स्कैवेंजर्स Vultures are on the verge of extinction because due to eating a meat becomes polluted by nitrophenic dung used for treatment of milk cattle. Dudhar pashu usko uska jhaga production lene ke liye animal husbandry jo karte hai kheru wo nitrophenic sodium content wala injection dete hai gaya aur bhains ko jyada production ke liye jyada fat ke liye जब ये पशु मर जाता है तब छोड़ते नहीं खुल जाते वल्चर्स उसको नोच खाते हैं मतलब उसका जो मीट है वो वल्चर्स के शरीर में गया दे बिकम सिक बिकॉज दैट मीट व्हिच दे हैव कंज्यूम इज इन्फेक्टेड बाय अ ड्रग कॉल्ड नेक्रोफेनिक सोडियम जो इन्फ्लामेशन को सब हमारे जो ऑबिफ्लाम टैबलेट हम जो खाते हैं उसमें वो ड्रग आता है नाइट्रोफेनिक सोडियम ऑबिफ्लाम में पैरासिटामोल आता है
फिर ये क्या बोलते हैं आइबुप्रोफेन आता है, डाइक्लोप्रोपेन, फिर आइबुप्रोफेन, सब ये जो लोकल ड्रग है कंटेंट है वे वो लेना हो, जो भी वो जॉइंट्स पे लगाते हैं उसमें डाइक्लोप्रोपेन स्टोर करवाते हैं, चाहे वो जॉइंट्स पर रुका होता है थोड़ा थोड़ा मालूम है, फिर कोई जॉइंट्स का पेन होता है तो कोई भी डॉक्टर डाइक्लोप्रोपेन स्टोर दवा दे देते हैं, राइट। तो एशियाटिक चीतास was seen in the beginning of 20th century, but now exists. Leopard existed in Indian forest, but there is no existence of cheetahs. Cheetahs are just reserved for South Africa. Once the Asiatic lions of gay were seen up to Middle East, but now they are just restricted in deer forest and Syrian usko Asiatic lion to hai. Moro amara Gujarat ka gauram sa hai. Right? Due to with the steps taken for their protection, now they are numbered almost 650 plus. ये 523 है और फिगर है। अभी शेर की आबादी तकरीबन 2020 का डेटा मैं आपको बताता हूँ। It is around about 625 to 650. Right? Once crane was seen in large number in Gujarat, but now they were reduced. Wildlife is an inseparable part of the living organism, but the decrease in their number somehow are due to reduced environment quality, sab kuch hai, which is a matter of great concern. Fir nazar aayega sham garu, what type of eagle, right? Sham garu is a resident of mountain forest of Gujarat, is rarely seen. फिर दूसरा एनिमल है चिलोत्रो, सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ विजयनगर तालुका इन साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट, इज रेयरली सीन टुडे। सो दिस आर द थिंग्स व्हिच आर नीड फॉर कंसर्वेशन। इट इज ऑब्वियस दैट द एंडलेस ह्यूमन ग्रीड, हमने सबको खत्म कर दिया है, एंडलेस ह्यूमन ग्रीड एंड द रन फॉर प्रोग्रेस, विकास की गति इतनी तेज हो गई कि विकास हासिल करने के लिए अपने पीछे हम विनाश छोड़ते आए, राइट? विनाश कर दिया सर। द प्रोग्रेस हैव मेड एनवायरनमेंट इंबैलेंस व्हिच वर्ल्ड मेक एडवर्स रिजल्ट, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी भैया, आपकी है तो भुगतना पड़ेगा। स्टिल देयर इज टाइम इफ यू प्रिपेयर प्रॉपर एक्शन इन द कंटेस्ट, the next generation, coming generation will be able to see wildlife, right? So ये जो important national parks वाला topic हम अगले lecture में लेंगे, लेकिन ये मेरे चार्ट पर है, hope you understood, right? Now it is your time to take your homework, come on children. हमारे दो क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट ऑन डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया एंड सेकेंड क्वेश्चन
short note on need for conservation of biodiversity. दूसरे लेक्चर में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. टिल देन चिल्ड्रन, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम.